दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं एक रिटेलर हैं या एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी भी AAPS कंपनी के। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। हालांकि इस वीडियो में बताने लायक इतना ज़्यादा है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं सुनते हैं, तो इसलिए मैं जितना शॉर्ट हो सकता है वो इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इसका एक मुख्य कारण ये है कि आपकी जो साल, दो साल, तीन साल की मेहनत है, आपने जो मेहनत से अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क फैलाया है, वो सारा कुछ एक झटके में ख़त्म हो सकता है। इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर से सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और रिटेलर भाइयों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप बैंक क्योस चलाते हैं और साथ ही प्राइवेट ID भी अगर आप यूज़ करते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और किस तरह से आपका काम बैंक बंद कर सकता है। मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों, बैंकिंग की जो लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करना आप चाहते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाइए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे कई वीडियो में जो मेरे दर्शक हैं वो लगातार देखते होंगे कि साल में एक दो बार मैं फ्रॉड अलर्ट को लेके कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहता हूं, और जहां पर हमारे रिटेलर भाई गलत करते हैं या NPCI या RBI या बैंकों की नज़रों में किस प्रकार के ट्रांजेक्शन गलत हैं उसके बारे में मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ। लगातार AAPS इंडस्ट्रीज़ में फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण NPCI ने एक नया तरीका इजाद किया है जिससे कि उन लोगों को, उन कंपनियों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो कि जानबूझकर ग्राहकों के साथ फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड कई प्रकार के हो सकते हैं, उस पर मैं अभी यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने किया क्या है कि यहाँ पर उन्होंने NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो NPCI एजेंट नेगेटिव लिस्ट करके एक लिस्ट तैयार करी है, जिसमें कि वो ऐसे सभी रिटेलरों का डाटा रखेंगे जिन्होंने किसी ना किसी रूप में फ्रॉड किया है। इसमें कैसे ये नाम आएगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यदि एक बार आपका नाम यहाँ पर आ गया तो आप ना तो भविष्य में किसी कंपनी का रिटेलर ID चला सकते हैं, ना आप डिस्ट्रीब्यूटर चला सकते हैं, और ना ही आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर चला सकते हैं। और मान लीजिए आपने किसी रिटेलर ID से कोई गलती करी है, कोई ट्रांजेक्शन किया जिसका फ्रॉड के रूप में नाम सामने आ गया, तो आपकी रिटेलर ID भी बंद की जाएगी। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर ID भी बंद की जाएगी, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ID भी बंद की जाएगी। मैं केवल खाली आपको जानकारी नहीं बता रहा हूँ, एक मित्र है हमारे जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनका पेनियर बाई और रॉयनेट का सभी कंपनियों के सारे पोर्टल बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। जब उन्होंने कांटेक्ट किया और अपनी जानकारी हमको बताई तो हमको वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का यदि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बंद हो जाए तो आप सोचिए उसका जो आजीविका का साधन है वो टोटल चला जाएगा। तो ये तो हो गई बात कि NPCI ने जो एक नेगेटिव एजेंट लिस्ट बनाई है, अब इस लिस्ट में क्या क्या डिटेल जाएगा और पूरा प्रोसीजर क्या है जाने का, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मान लीजिए किसी रिटेलर ने किसी कस्टमर का पैसा विड्रॉल किया, अभी मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल रिटेलर की, उसने पैसा विड्रॉल किया, और विड्रॉल करने के बाद वो ट्रांजेक्शन अगर फेल हो जाता है, कस्टमर के खाते से पैसा कट जाता है और हमारे जो रिटेलर भाई हैं उसके वॉलेट में नहीं आता, तो वो कस्टमर को सामान्यतः क्या कर देते हैं कि बता देंगे कि भैया आपका पैसा कट गया, 7 बैंक वर्किंग डे में वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ केस में बैंक की तरफ से ये वापस नहीं आता है, और यहाँ पर कस्टमर अगर बैंक में कंप्लेंट करता है या ये कंप्लेंट आपके पोर्टल, मतलब जिस कंपनी का पोर्टल चला रहे वहाँ पर ये पहुँच जाती है, तो वो कंपनी क्या करेगी कि संबंधित रिटेलर का डेटा, जैसे कि उनका नाम, उनका पैन नंबर, उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी जो है, वो नियम से क्या करेगी कि NPCI की नेगेटिव लिस्ट वाली डिटेल में भेज देगी कि ये रिटेलर ने गलत किया है। अब कंपनी को कैसे ये पता लगेगा कि गलत हुआ है, जैसे फेल ट्रांजेक्शन में रिटेलर की कोई गलती नहीं है, लेकिन कस्टमर अगर वहाँ पर मुकर जाता है कि हमारा पैसा कट गया है, या कई बार ऐसा होता है कि उसने पैसा कहीं और से निकाला, कंप्लेंट आपकी कर दी, तो भी यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा।
यहाँ पर बचने का क्या तरीका है, यहाँ पर आपका नाम क्यों जाएगा? क्योंकि क्या होता है, जब कंपनी के पास किसी प्रकार की कंप्लेंट पहुँचती है तो वो रिटेलर को कॉल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप रिटेलर से कोऑर्डिनेट करिए। लेकिन मैंने देखा मेरे नेटवर्क में भी है कि मेरे खुद के डिस्ट्रीब्यूटर, जब मैं उनको कभी कॉल करता हूँ, कभी मैसेज करता हूँ, रिटेलरों को कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तो वो कॉल पिक नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि कंपनी को लगता है कि अगर ये बंदा कॉल पिक नहीं कर रहा, नंबर स्विच ऑफ जा रहा, मतलब सही में इसने फ्रॉड किया है या कुछ गलत किया है, तो वो डेटा को भेज देंगी। ये तो बात हुई एक नॉर्मल रिटेलर की। यदि जानबूझ के जो रिटेलर क्या करते हैं कि कस्टमर का आधार फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और उनके खाते से पैसा विड्रॉल कर लेते हैं और उनको नहीं देते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, अंगूठा लगवा लिए 10,000 रुपये, पैसा उनको दिया 8,000 या 9,000, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, तो कंपनी इस प्रकार की जितना भी फ्रॉड होगा, चाहे वो QR कोड के माध्यम से हो रहा है, AEPS के माध्यम से हो रहा है, XYZ किसी भी तरह का यदि फ्रॉड हुआ है, इस पर मैं यहाँ पर अभी चर्चा नहीं करूँगा, तो यदि फ्रॉड हुआ है तो वो कंपनी क्या करेगी, NPCI को आपका पूरा डेटा दे देगी कि ये रिटेलर ने फ्रॉड किया है। अब मान लीजिए आप ए कंपनी ने आपका ये डेटा भेजा, तो जब NPCI के पास ये डेटा जाएगा तो वो क्या करेगा, सारे बैंकों को ये डिटेल भेज देगा कि ये बंदा ये पैन नंबर, ये आधार नंबर, ये मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी से संबंधित जितनी भी आईडियां आपके पास अभी हों या भविष्य में अगर बनने आती हैं तो उनको एक्टिवेट ना किया जाए, और यदि ये आईडियां एक्टिवेट हैं तो उनको बंद कर दिया जाए। अब आप जानते हैं कि जितने भी AEPS हैं वो या तो यस बैंक से चल रहे हैं या RBL बैंक से चल रहे हैं या ICICI बैंक से चल रहे हैं, कुछ हद तक कोटक से चल रहे हैं। तो जैसे इनके पास NPCI ये डेटा शेयर करेगा तो वो क्या करेंगे कि आपके सारे कोड को बंद कर देंगे। अगर आप किसी बैंक का क्योस चलाते हैं जैसे SBI, PNB, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, XYZ जितने भी बैंकों का क्योस चलाते हैं, यदि एक बार NPCI ने उन बैंकों को ये नोटिस जारी कर दिया या ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी कि ये बंदा नेगेटिव लिस्ट में है, तो वहाँ पे आपके बैंक के क्योस भी बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये तो हुई केवल रिटेलर आईडी की बात, लेकिन उसी पैन नंबर से, उसी आधार नंबर से आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी बनी हो सकती है, उसी से आपका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बना हो सकता है। तो जो भी संबंधित प्राइवेट कंपनी है, उदाहरण के लिए मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ कि मान लीजिए वो रॉयनेट है, पेनियर है, स्पाइस मनी है, रापी पे है, मूवी सफर, XYZ जितनी भी ये कंपनियाँ हैं, क्योंकि NPCI उनको बोलेगा तो उनको मजबूरी में आपके कोड बंद करना पड़ेगा, भले आप कंपनी से कितने लंबे समय से जुड़े हों, कितने भी ईमानदारी से अगर आप काम कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर आपको नेगेटिव लिस्ट में नहीं आना है तो जितने भी प्रकार की जानकारी मैंने पहले अपने वीडियो में दी है कि आपको ओवर चार्जिंग वाले ट्रांजेक्शन बंद करना है। ओवर चार्जिंग कैसे की जाएगी वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन अगर आपके ट्रांजेक्शन से ये पैटर्न पता लगता है कि आप 1010, 1020, 2010, 2020 निकाल रहे हैं, ये आप बंद कर दीजिए। यदि आप जानबूझ के ऐसा करते हैं कि गांव देहात के जो ग्रामीण हमारे ग्राहक हैं, जो कि एजुकेशन के मामले में थोड़ा कम जानकारी रखते हैं, उनसे आप ज़्यादा अमाउंट पर फिंगर लगा लेते हैं और उनको कम पैसा दे देते हैं, तो भी आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। यदि आप किसी कस्टमर का गलत बैंक अकाउंट, ये पूरा एक बहुत लंबी लिस्ट है, कम से कम 12 पेज का PDF है, जिसको मैं किसी और वीडियो में आपको सामने रखूँगा। यदि आप किसी कस्टमर का अकाउंट बिना जानकारी के खोल देते हैं अपने कुछ फ़ायदे के लिए, मैंने देखा ऐसे बहुत सारी जगह पर होता है, किसी का आप डीमेट अकाउंट खोल दे रहे हैं, किसी का बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोल दे रहे हैं और उसके मोबाइल नंबर वगैरह से, और कस्टमर को पता नहीं होता, लेकिन जब वो कभी कंप्लेंट करेगा कि हमारा तो कोई खाता नहीं है, बैंक उस पर इंक्वायरी बैठाएगी कि कहां से ये खाता खुला, किस व्यक्ति ने ये खोला, तो आप ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। तो आज से ही ये सारी चीज़ें आप बंद करिए। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप जाइए और अपना दुकान के लिए एक रजिस्टर भी लेके आइए, रजिस्टर में आप प्रॉपर मेंटेन करिए कि किस कस्टमर का आपने पैसा निकाला है, नहीं निकाला है, बैलेंस इंक्वायरी की है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, आप लोग बोलते हैं समय नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आप अपनी आईडी को बंद होने से भी बचा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि हम फेक वीडियो बना रहे हैं, तो NPCI का जो सर्कुलर है, ये जो 7-8-10-12 पेज का PDF है, उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
साथ ही मैंने अपना ब्लॉग पोस्ट की लिंक भी दिए, वहाँ पे जाके भी आप पढ़ सकते हैं। और आपकी दुकानों के लिए हमने पोस्टर भी बनाए हुए हैं ताकि आप अपने ग्राहकों को बता पाएँ कि सर्वर से पैसा फंसने पे क्या होता नहीं होता। ये सारा कुछ मैं अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ हूँ, अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ पर जाइए, उसको डाउनलोड करिए और A4 साइज में प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और बचिए कि आपकी ID, चाहे वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो बंद ना हो। आगे कोई आपकी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट से संबंधित जवाब देने की कोशिश करूँगा कि किन किन केसेस में आपकी आईडी का जो नेगेटिव लिस्ट में नाम है वो जा सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम, जय हिंद।